हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो हम आज इस वीडियो के टॉप में VSD जो कि वेरिएबल स्पीड ड्राइवर होता है और VFD जो कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइवर होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि उन दोनों में क्या अंतर होता है, उन दोनों को कहाँ यूज़ होते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपना कमेंट दें, ताकि हम लोगों को आपके फीडबैक्स का पता चले और हम लोग आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। तो जो आज का टॉपिक ऑफ द डे है वो है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन VFD एंड VSD, इन दोनों में क्या अंतर होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर और वेरिएबल स्पीड ड्राइवर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे VFD और VSD का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हम लोग इसके किस किस एप्लीकेशन में इसके यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ VFD एंड VSD, एडवांटेज जो हैं VFD और VSD के, वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। तो इसमें दोस्तों मैं बताता चलूँ, हम लोग VFD को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर कहते हैं और VSD को वेरिएबल स्पीड ड्राइवर कहते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर है, ठीक है। और वेरिएबल स्पीड ड्राइवर में दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के ड्राइवर होते हैं, वेरिएबल टॉर्क और कॉन्स्टेंट टॉर्क। तो ये डिपेंड करता है आपको कि मतलब कहाँ चाहिए, मतलब कैसे एप्लीकेशन है, तो उसके अनुसार हम लोग इस VSD के मतलब उसका चुनाव करते हैं, उसके मॉडल का चुनाव करते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों, ए VFD रेफर्स टू एन AC ड्राइव्स ओनली, ठीक है ना। VFD जो होता है वो AC ड्राइव्स को ही संदर्भित होता है, और ए VSD रेफर्स टू आइदर AC और DC ड्राइव्स, ठीक है। जो VSD होता है, स्पीड ड्राइव जो होता है, वो आइदर AC या DC दोनों को संदर्भित होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले VFD किसको कहते हैं हम लोग। तो VFD में ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव टिपिकली रेफर्स टू एन AC ड्राइव्स, इट्स कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन AC मोटर बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी टू द मोटर, ठीक है। तो दोस्तों, जो VFD होता है वो मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है, उसके फ्रीक्वेंसी को वेरी करके, उसके फ्रीक्वेंसी को घटा के बढ़ा के। वहीं हम लोग जो VSD है स्पीड ड्राइवर, वो DC मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है, उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके, ठीक है। ये मेन अंतर है इन दोनों में, जैसा कि आप लोग समझ गए। फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD जो कि उसके फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करता है, उसके मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। VSD जो कि स्पीड ड्राइवर है, वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके मोटर के स्पीड को कम करता है, ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफाइड क्वेश्चन की, ठीक है ना, VFD और VSD में क्या अंतर होता है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू डू, ठीक है ना। अगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू डू अगर हम बात करें, तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और अगर हम लोग इसके स्पेसिफाइड इंटरनल कंपोनेंट की बात करें और कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इनमें अंतर होता है, और ये अपने गोल को अलग अलग तरीके से कैसे अचीव करते हैं उनमें अंतर होता है, जिसको हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि वो VFD जो होता है वो एक मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है, उसके फ्रिक्वेंसी को चेंज करके, और दूसरा जो उसके स्पीड को कंट्रोल करता है, उसके वोल्टेज को कंट्रोल कम या ज़्यादा करके। तो ये है दोस्तों मेन डिफरेंस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। तो अगला जो स्लाइड है दोस्तों, वो है हमारा यूज़ ऑफ VFD एंड VSD, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है जो दोस्तों, वो मोस्टली AC मोटर, ठीक है ना, उसको यूज़ करने के लिए किया जाता है, और बड़ा ही वाइड रेंज है इसका, ठीक है, जैसे ब्लोअर स्पीड, पंप स्पीड मशीन और बड़े सारे अदर एप्लीकेशन में, जहाँ वेरिएबल स्पीड विथ वेरिएबल टॉर्क की ज़रूरत होती है। यहाँ ध्यान देने वाली दोस्तों बात है, क्योंकि इसके यहाँ मतलब जितने एप्लीकेशन हैं उन सबको कवर करना तो मुश्किल है, बट अब ये फिलोसफी ये है कि जहाँ
वेरिएबल स्पीड विथ वेरिएबल टॉर्क, मतलब अलग अलग स्पीड में अलग अलग टॉर्क की जहाँ ज़रूरत होती है वेरिएबल स्पीड विथ वेरिएबल टॉर्क, वहाँ हम लोग VFD को यूज़ करते हैं। और जो VSD है वो हाई स्पीड कंप्रेसर्स, जहाँ हम लोगों को हाई एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि फैंस, हाई स्पीड पंप, एयर कंप्रेसर और इंडस्ट्रियल टूल्स एंड मशीनरीज, जैसे कि आपका क्रशर प्लांट और कन्वेयर्स होता है, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होता है VSD का। तो दोस्तों हम लोग चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर, उसमें हम लोग देखेंगे कि VFD और VSD के क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। तो इसके एडवांटेज दोस्तों, पहले हम लोग अगर बात करें VFD के, तो लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, स्मूथ स्टार्टिंग होता है, फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन कर सकते हैं आप इसमें, स्टॉपिंग मेथड होता है, आपको जैसे भी सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वैसे कर सकते हैं आप, स्पीड कंट्रोल होता है वो तो बेसिक है इसका, कम्युनिकेशन फीचर होता है जो कि बहुत अच्छा फीचर है, आप सारे सेटअप्स और ये सब डाटा सेट कर सकते हैं, और एनर्जी सेविंग भी है जो कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका कि एनर्जी भी सेव होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग VSD की बात करें तो एनर्जी कंजप्शन एंड कॉस्ट रिड्यूस करता है, जो सेम चीज़ है VFD में भी होता है, ठीक है, और प्रोडक्शन इंक्रीज भी करता है, टाइटर प्रोसेस कंट्रोल में भी ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, और इक्विपमेंट के लाइफ को इंक्रीज करता है और मेंटेनेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है, और ये पावर लाइन डिस्टर्बेंस को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, जिससे कि इन सारी चीज़ों से आपका ये हो जाता है कि डैमेज, जो मोटर डैमेज के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं स्टार्ट और स्टेप के दौरान, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है बेसिकली एडवांटेज VFD और VSD का। तो दैट्स ऑल दोस्तों आज के इस वीडियो में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपको अब आने वाली अपकमिंग वीडियो की भी जानकारी मिलती रहे। और मैंने एक VFD के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।